हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमिल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग का है। और दोस्तों, त्रैमासिक जो कंप्यूटर चक्रवृद्धि ब्याज में त्रैमासिक और छमाही के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही एग्जाम में आते हैं। तो ये दोस्त बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए, जब त्रैमासिक का समझेंगे, त्रैमासिक अगर लिया जाए तो कुल महीने होते हैं अपने पास 12। पहले 3 महीने में ब्याज, फिर अगले 3 महीने में ब्याज, देखता हूँ देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ठीक। अगला 3 महीने में ब्याज, फिर अगला 3 महीने में ब्याज, है ना। तो 1 2 3, 3 6 3 3 9 3 4 12, 4 बार हो गया, है ना। तो जो दर है उसके अंदर अपन 4 का 12 लगा, ठीक। और समय जो एन है, एन में 4 का गुणा कर दें, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 4 बार भाग लिया जा रहा है, गुणा ब्याज लिया जा रहा है। अब दर कितने अपने पास 20% है ना। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो कितनी आएगी ये 4 5 20, 5%, और 5/100, 5 5 से काटा 20, है ना, 1/20, और 20 पे 1 रुपये का ब्याज, यानी कि 21 रुपये, ठीक है। तो जो 20 रुपये मूलधन है तो 21 ब्याज आएगा, ठीक। अब समय कितना अपने पास, 9 माह, कितना है 9 9 माह, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 4 का, 9 चौक कितना होगा 36 माह। 36 माह में 12 का भाग लगाया तो 12 किया 36, 3 वर्ष, ठीक। तो 3 बार लेंगे तो 20 3, यहाँ 21 आ जाएगा, फिर 20, फिर 21 आ जाएगा, 2 2 4 2 8, 8,000 हो जाएगा, 21 21 441 × 9,261, इसका ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,261। अब ये अपना प्रिंसिपल मूलधन कितना अपने पास, 16,000 रुपये, कितना है 16,000। तो इसको 16,000 बनाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16,000, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर देंगे, ब्याज आया उसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 3 12 का 2 चला 1, 2 2 4 5, 2 एकम 2, 2,522 रुपये। 1 सेकेंड में आंसर।